राष्ट्रीय कांग्रेस जे पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में शराब पर प्रतिबंध लगाए जाने एवं देश में बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में देश की सरकार पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करती जा रही है और राजनीतिक गतिविधियों के नीचे दबकर गरीब कमजोर वर्ग के अधिकार दफन होते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत की कमजोर वर्गों की जनता के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस जे पार्टी भारत के केंद्र सरकार से कमजोर वर्ग के पीड़ितों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए मांग उठाती है। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में बिहार एवं गुजरात सरकार की तर्ज पर भारत सरकार उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी लागू करे और देश में आए दिन तेजी से बढ़ रही महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगल सेन ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया, ये हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा कि लाखों लोग शराब के कारण मरते हैं, लेकिन भारत की सरकार अपनी आय बढ़ाने की बात तो करती है, लेकिन लाखों लोगों के मरते हुए देखते हुए उनके कफन पर कभी भी रोना नहीं रोती है। और ये हमारे बड़े ही दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर खुद योगी जी जो एक महात्मा जी हैं, वो खुद यहाँ की शराब को बिकवा रहे हैं और गुटखा आदि ये सब चीज़ें जो नशे की हैं, इनको नशा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहिए। मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि शराब को आज से ही बंद किया जाना चाहिए, चाहे उसकी फैक्ट्रियाँ चल रही हों वो बंद होनी चाहिए, चाहे हट्टियाँ हों चाहे ठेके हों वो सारे बंद होने चाहिए, मेरी यह सरकार से मांग है। इसके साथ मैं गुटके आदि जो अन्य ये जो हैं वो भी बंद होने चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर हमारे भारत सरकार ने हमारे देश के अंदर अब 25 रुपए फिर बढ़ा करके गैस पर गैस के सिलेंडर पर यह साबित कर दिया है कि हिंदुस्तानी विरोधी सरकार है, भारत विरोधी सरकार है, यह उत्तर प्रदेश विरोधी सरकार है, महंगाई पर लगाम नहीं कसना चाहती है, इसी के साथ में गरीबों की विरोधी पार्टी है। और तीसरी पार्टी और तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय जो भारत के सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार ये बड़े जोर से बातें करती थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कहीं क्राइम होता है तो हमारी सरकार उसको खत्म कराने में बिल्कुल नहीं चुकेगी, लेकिन आज दिनों रात बहन बेटियों के साथ कुछ बहुत ही कुचर्क रचे जा रहे हैं, बलात्कार बढ़ गए हैं, हक्को डकैतियां चोरियां अपहरण कांड बढ़ गए हैं, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सैयद अनवर अली, नरेश कुमार एडवोकेट, आनंद पाल सिंह, खुशीराम शर्मा, मोहम्मद जाकिर एवं इंद्रजीत सहित अनेक पदाधिकारी शामिल रहे।